नमस्ते प्रणाम जय श्री राम। हम इस समय है मौजूद बेंगलुरु। बेंगलुरु में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मौसम जो है मस्त हो गया है, क्योंकि बारिश हल्की हल्की हो रही है और मैं बैठा हूँ ओला बाइक पे, इसलिए कि थोड़ा सा आनंद लिया जाए। आनंद लेना ज़रूरी है, आदमी आया ही इसीलिए घूमने के लिए। तो बाकी अगर कुछ व्यवस्थाएँ होती तो वो शायद ही मज़ा नहीं आता, थोड़ा सा भीगेंगे लेकिन मज़ा आएगा। यहाँ बात करते हैं, मौसम तो हो गया ऐसा और आगे बढ़ते हैं कि CNG के विषय में। तो यहाँ पे क्या है कि गाड़ियों में ही CNG बहुत कम लग रही है, और बहुत कम के मात्रा में अगर बताएं तो CNG इस समय यहाँ 88 रुपया कुछ पैसा है और पेट्रोल 101 रुपया पर लीटर है। तो रेट का विशेष नहीं है, लेकिन अगर आप इस रेट में भी CNG लगाते हैं तो करीब करीब 40% का बचत आपका प्यार से चला जाता है। तो एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात बात करते हैं कि पोल्यूशन सबसे ज़रूरी है। यहाँ पे पोल्यूशन के विषय में अगर हम बात करें तो काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स जो सिटी के अंदर दौड़ रही है वह भी गाड़ियाँ डीजल में ही अभी चल रही है। तो इस पर भी थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए, चूँकि डीजल नुकसानदेह है और पुरानी गाड़ियाँ हम देख रहे हैं कि कमर्शियल में यहाँ इस्तेमाल की जा रही है। तो कमर्शियल में खास करके CNG एकदम ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। चूँकि लखनऊ में हमें जहाँ तक याद है कि 2012 से ही अगर आपकी गाड़ी में CNG नहीं है तो सिटी के अंदर तो आपको परमिट नहीं मिलेगा। सिटी के अंदर जैसे कोई सिटी परमिट लेता है या ऑल इंडिया परमिट लेता है या ऑल UP परमिट लेता है, तो इस तरह के परमिट के लिए उस समय 2012 में भी अगर हम बात करें तो जैसे ऑल इंडिया परमिट तो आपको डीजल पर मिल जाता था, लेकिन अगर ऑल UP या सिटी परमिट लेना है तो आपको CNG गाड़ी में लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ एकदम इम्पोर्टेंट था और ज़रूरी था। तो इसी तरह से हम चाहेंगे कि यहाँ पे भी ये ध्यान दिया जाए और इसको किया जाए, क्योंकि CNG की गाड़ियाँ यहाँ बहुत कम दिख रही है। और CNG पंप पे भी अगर आप जाओगे तो वहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है। हम कल CNG पंप पे भी दो जगह गए थे और CNG किट जहाँ लगता है वहाँ भी गए थे। LPG का यहाँ पे अभी भी क्रेज है और जो सर्विस है वो अच्छा है। LPG जो लगाने वाले हैं वो लोग भी ठीक हैं और काम अच्छा कर रहे हैं। दो जगह हम CNG फिटिंग सेंटर विज़िट किए और बाकी जो है CNG पंप भी विज़िट किए 2-3 जगह, लेकिन सब जगह जो रिस्पांस रहा मेरे तरफ से जो आउटपुट रहे वो ये है। और यहाँ डीजल गाड़ियों को अधिक मात्रा से इस्तेमाल अभी भी किया जा रहा है, वो नगर निगम की गाड़ी हो या सिटी के अंदर कोई भी गाड़ी चलने वाली हो कमर्शियल व्हीकल। तो ये सारी चीज़ें हैं और हम ये कहेंगे कि भाई जल्दी CNG को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि चूँकि 3 साल हो गया यहाँ CNG आए हुए, 3 साल से ही यहाँ CNG अप्रूवल है वैली। तो धीरे धीरे ही लोग जानेंगे और जब लोग जान जाएंगे तो ही मज़ा आता है। अभी तो क्या है कि 50 चीज़ें की दिक्कत करती होगी और होता क्या है ना कि शुरुआत में उतना अच्छा आउटपुट नहीं मिलता है और जिसका खामियाजा जो है सब लोगों को भुगतना पड़ता है। चूँकि होता क्या है कि एक गाड़ी अगर सही चलती है तो उसके ज़रिए से 3 गाड़ी कम से कम आ जाती है, और 3 गाड़ी जब सही चलती है तो उसके ज़रिए से 9 गाड़ी आ जाती है, 9 से 90 हो जाती है। तो इस तरह का रेशियो से जो है बढ़ता रहता है एक दूसरे का क्रेज। तो हम ये चाहेंगे कि जो है जल्दी इसको बढ़ावा दिया जाए और CNG और लंबे तरीके से जो है इसको इस्तेमाल में लाया जाए ताकि थोड़ा पॉल्यूशन यहाँ कम हो। चूँकि हमें 1-2 चीज़ें मिली जो अगली वीडियो में आप सभी को बताते हैं कि क्या इसमें निगेटिव है क्या पॉजिटिव है, दोनों बातें तो होता है, क्योंकि हम किसी भी शहर में जाते हैं तो हम लोग दोनों का सामना करना पड़ता है। और जब तक हम घर छोड़ के भटकते नहीं तब तक हम कुछ पाते नहीं। तो पहले आप भटको, ये ज़रूरी है। जब तक आप भटकोगे नहीं तब तक आप समझोगे नहीं। भटकना लाइफ में बहुत ज़रूरी है भाई, पहले भटको वो चाहे जैसे भटको। मुझे लगता है कि इतना बहुत है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, CNG से रिलेटेड जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं फिर, बाय। जय हिंद, जय भारत।